हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगजीत। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी वाइट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूं एक बहुत ही एक ट्रिक, जो कहा जाए कि एक यूट्यूब की बहुत ही अच्छी वाली ट्रिक है। नॉर्मल में हम देखते हैं कि लोग यार बड़े सारे ट्रेलर्स डाल रहे हैं, क्या मूवी सॉन्ग्स डाल रहे हैं, तो हम सोचते होते हैं कि यार कैसे डाल दें, तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आ मतलब शो होता इनको, तो कैसे अपलोड कर रहे हैं। तो मैं आज आपको, आप सभी को ये इसी टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें से कि आपको दो लाइसेंस होते हैं आपके। फर्स्टली आपका एक लाइसेंस जो स्टैंडर्ड लाइसेंस मिलता है, और एक होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है, जो कि सीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है वो आपको, आपने जब भी देखा होगा कि आप वो जब जिस वीडियो को जिस वीडियो के ऊपर वो लाइसेंस होगा स्टैंडर्ड वाला, उस भी वीडियो को हम कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। लाइक अगर जब हम उसकी किसी भी उस स्टैंडर्ड लाइसेंस की वीडियो को कॉपी करके हम खुद अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो उसका वो इंक्लूड कर देगा, कॉपीराइट क्लेम कर देगा जिस वीडियो को उसने पहले पब्लिश करा हुआ था, मतलब जिस प्रोडक्शन की वो वीडियो थी, मतलब जिससे वो वीडियो को कॉपी करके अपने में पेस्ट करा, तो उस कंपनी का आपको वो क्लेम मिल जाएगा कि आपने इस कंपनी के प्रोडक्शन में ये वाली वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पे प्रोड्यूस करी है। तो इसमें अगर वो स्टैंडर्ड लाइसेंस गिनते हैं, जो सीसी लाइसेंस होता है, कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस होता है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। जो आप, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलता है आपको। अब जब भी अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं, मैं यूट्यूबर्स के लिए बता रहा हूँ ओनली, अगर जब भी आप क्रिएटर स्टूडियो में जाओगे अपने चैनल के, तो लास्ट पे नीचे ऑप्शन होगी, वो वीडियो क्रिएटिंग की ऑप्शन आएगी क्रिएट करने की, तो उसमें लास्ट वाली ऑप्शन होती है क्रिएट, क्रिएट में जाकर वीडियो की ऑप्शन आपको आपको मिलेगी, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और आपको मतलब साइड राइट हैंड साइड पे आपको शो हो जाएगा, वहाँ पे सीसी की ऑप्शन शो होगी। तो वहाँ पे आप जब उस पर क्लिक करेंगे, तो आप जो 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 सी भी आपको सीसी में वीडियोस आपको शो होगी ना, वो सभी आप अपने पे इजीली ही वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अपने चैनल पे। लाइक वो किसी भी वीडियो हो, वो सारी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की है। मीन्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है कि आप किसी भी उस जो जिस वीडियो को भी जो लाइसेंस मिला ना, आप उस वीडियो को अपने चैनल पे मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो, आपको कोई भी उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप, वही मैं तब बता रहा हूँ कि सीसी में आप जब भी आप कोई भी वीडियो टाइप करते हो, अगर उस लिस्ट में आपकी वो वीडियो शो हो रही है, तो आप इजीली उस वीडियो को सेलेक्ट करिए, ड्रैग करिए अपने टाइमलाइन के ऊपर, एंड करो ऊपर क्रिएट के भी आगे क्लिक कर दीजिए, और आपकी वो वीडियो प्रोड्यूस हो जाएगी, और आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा उस पर। ओके, तो आप इजीली ही बड़ी इजी अपने चैनल पे वो वीडियो को प्रोड्यूस कर सकते हो, और आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। एंड मैं उसे एक और एक बात बताता हूँ, अगर आपको, आप कई बार बोलते हो कि आप सीसी में आपको वो वाली वीडियो नहीं मिल रही लिस्ट में जो आपको चाहिए, वो ऐसा होता भी है, बिकॉज आपको सभी वो वाली वीडियो सबको नहीं मिलती उस लिस्ट में, मैं भी मानता हूँ मेरे को भी नहीं मिली थी। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे कि आप एक और चीज़ कर सकते हो अपने चैनल के लिए, जो से भी आपको वीडियो अपलोड करनी है अपने चैनल के ऊपर, तो आप पहले उस वीडियो को सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, तो आपको जो भी वीडियो वहाँ पे मिल रही है ना, जो वीडियो आपको चाहिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज करा, जैसे स्पीड रिकॉर्ड्स ने वगैरह वगैरह, जो यशराज फिल्म वगैरह ने, कोई प्रोडक्शंस ने जो भी, कोई भी ट्रेलर जैसे अपने रिलीज करा भी कोई भी ट्रेलर, तो आपको उस ट्रेलर को अपने चैनल पे अपने प्रोड्यूस करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप उस वाले ट्रेलर को अपने पहले वहाँ पे कहते क्या, जो आपको ट्रेलर है आपको वहाँ पे अपने ऑन करिए, स्टार्ट करें, आप रन करके देखिए, वो अच्छे से आपको क्लैरिटी वाला लग रहा है तो ठीक है। तो आप उस जो आपको ट्रेलर, उस पहले अपने पीसी पर डाउनलोड कर लीजिएगा, जब डाउनलोड कर लिया उस पीसी को ना, अपने अपने पीसी पर वो वीडियो को, एंड उस पर आप थोड़ी सी एडिटिंग कर दीजिए, बिकॉज अगर यूट्यूब का अगर हम उस गाइडलाइंस देखें, तो उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जस्ट 30% ही आप कॉपी कर सकते हो किसी और चैनल की वीडियो को। तो ओनली जस्ट 30% करने के लिए आप कुछ वहाँ पे अपने स्टार्टिंग पे, जैसे आप उस वीडियो के एक लाइक और कुछ भी लगा दीजिए, लाइक अपने अपने चैनल का लोगो लगा दीजिए, या कोई आपको कुछ भी चेंजेस कर दीजिए, अपने चैनल का नेम लगा दीजिए, कुछ भी ऐसे मतलब थोड़े पेजेस उसके अपने खुद से ऐड कर दीजिएगा, लास्ट पे खुद से ऐड कर दीजिएगा, कुछ का थंबनेल थोड़ा एडिशन कर दीजिए, ऐसे थोड़ी बहुत चेंजेस कर दीजिए, तो इसलिए आपका थोड़ा सा वो अपने खुद की एडिशन भी हो जाएगी, और उसकी भी कॉपी कर लोगे, तो आप इजीली उस वीडियो को अपने पे अपलोड कर पाओगे। तो आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो सजेशन आपको अच्छी लगी होगी, और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ट्रिक्स मिलती रहेंगी जो आपको बाकी चैनल से नहीं मिलती। तो आपको बीच वाली चीज़ मैं ट्रिक बताता रहता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, एंड आप जस्ट सब्सक्राइब कर रहे होंगे इस चैनल को, तो साइड में एक बेल लगी होगी, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जब मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए इस वीडियो को।